Hi students, today in this video we go for the revision FA2. The number of question is question 3B and we go for short question answers of unit 3 and 4. We start from poem run. Number 1, what does the poem tell us to do? Means, jo poem hai number 3 poem run, jiska naam hai, wo hume kya karne ko kehti hai poem jo hai wo. Answer, the poem tells us to run throughout the day away from the city towards the countryside. This is the main idea of the poem, that वो हमें बताती है कि हमें कहाँ पे दौड़ना है. Run throughout the day means पूरा दिन दौड़ना है, और कहाँ पे दौड़ना है, away from the city, city से दूर, and towards the countryside यानी open area, field की ओर और village area की ओर हमें दौड़ना. So this is the main idea of the poem, and now we go for the second question. Write about the places where the poet wants us to run. यानी poem जो run है उसमें poet हमें कौन कौन से places पे दौड़ना कहते हैं. Answer, the poet wants us to run towards the countryside, under the trees, down the hillside, up the street, through the meadow. पोएट जो है पोएम के, तो वो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ दौड़ना है. टूवर्ड्स द कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया की ओर, अंडर द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, डाउन द हिल साइड यानी हिल साइड की डाउन की साइड आप दौड़ो, अप द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर, ऊपर नीचे, स्ट्रीट के ऊपर आप दौड़ो, थ्रू द मिडो, मिडो मीन्स जो ग्रास लैंड है वहां पे भी आप दौड़ो. सो दीज आर द प्लेसेस where the poet wants us to run. So this is the answer, and now we go for the chapter number 3, and here are short question answers of chapter number 3, Nasruddin's aim. Number 1, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Nasruddin jo hai wo dusron ka naam kyun lete the jab bhi unka target miss ho jata tha? Answer, Nasruddin did so मीन्स नसरुद्दीन ऐसा करते थे क्योंकि, टू डिफेंड हिमसेल्फ यानी अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा करते थे. डिफेंड यानी बचाना. ही डिडंट वॉन्ट टू शो हिज फेलर इन हिज स्किल इन आर्चरी. वो अपनी जो फेलर, अपनी जो असफलता है आर्चरी में, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे. सो ही टुक समवन एज नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट. तो जब भी उनका टारगेट मिस हो गया, टू टाइम्स ऐसा हुआ कि उनका टारगेट जो है मिस हो गया, तब उन्होंने किसी दूसरे पर्सन का नाम ले लिया कि ये तो मेरा एम नहीं था, ये तो किसी और का एम था. सो दैट्स व्हाई ही टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम व्हेन ही मिस्ड द टारगेट. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम. थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों बताया कि ये मेरा एम था? आंसर, ही वॉज लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट. थर्ड अटेम्प्ट जब उन्होंने थर्ड कोशिश की ना, तीसरी बार, तब वो उनकी किस्मत अच्छी थी. ही सक्सेसफुली हिट द टारगेट. उन्होंने अपना जो टारगेट है उसको हिट किया, शूट किया. सो ही सेड इट वॉज माई एम. जब उनको सक्सेस मिला ना, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरा एम था. पहले जो मैंने दो शूट किए ना, वो मेरा एम था ही नहीं. सो दिस इज द आंसर, एंड नाउ वी गो फॉर द थर्ड. एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दैट डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. क्या आप सोचते हो कि नसरुद्दीन जो है वो आर्चरी में एकदम परफेक्ट थे, बराबर थे, गुड थे? आंसर, एंड हियर इज द आंसर, दैट आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. यानी मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि नसरुद्दीन जो है वो आर्चरी में एकदम परफेक्ट थे. ही ओनली बोस्टेड अबाउट इट बिफोर हिज फ्रेंड्स. वो सिर्फ उसके बारे में ऐसी बड़ाई हांक रहे थे कि आर्चरी में मेरा कोई मैच नहीं है. तो इस तरह से उनको कोई भी वो स्किल नहीं था कि वो आर्चरी में एकदम एक्सपर्ट नहीं थे. सो दिस इज द आंसर, एंड नाउ वी गो फॉर द पोएम नंबर 4, एंड हियर आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोएम नंबर 4, दैट नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक मीन्स ऐसी चीजों का नाम हमें लिखना है जो पानी में डूब जाती है. आंसर, पिन, लीड, मार्बल, स्टोन, स्पून एक्सेट्रा.
ये सारी जो मेटल की चीजें हैं वो पानी में डूब जाती है. हियर वी राइट सम नेम बट यू हैव टू राइट अनदर नेम्स ऑल्सो. पिन, लीड, मार्बल, स्टोन, स्पून, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पानी में डूब जाती है. यू कैन राइट अदर नेम्स ऑल्सो हियर. एंड नाउ वी गो फॉर द सेकेंड लिस्ट, थ्री क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क. यहाँ पे हमें पोएम में से थ्री क्वेश्चन फाइंड करने हैं और लिखने हैं कि जो क्यूरियस जो बॉय है उसने हमें क्वेश्चन किए हैं. कौन से क्वेश्चन उसने यहाँ पे दिए हैं? आंसर नंबर वन, व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दैट बॉय. व्हाई द फ्लावर्स डाई, ये फ्लावर्स से क्यों मुरझा जाते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं, पानी क्यों पीते हैं. नंबर थ्री इज व्हाई सन शुड शाइन, यानी सन जो है उसको शाइनिंग क्यों करना चाहिए. सो दिस थ्री क्वेश्चन ऑफ द बॉय दैट वी फाइंड फ्रॉम द पोएम व्हाई. You can write another questions also from the poem. So these two question answer of the poem, and now we go for the chapter number 4. And here are the short question answers of chapter 4, Alice in Wonderland. Number 1, while listening to the story, what did Alice see? Alice ne kya dekha jab wo story sun rahi thi tab? Answer, while listening to the story, Alice saw a white rabbit running hurriedly. क्या देखा उसने कि एक व्हाइट रैबिट था वो एकदम स्पीड में दौड़ रहा था. नंबर टू, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो, जो उसने रैबिट देखा उसका उसके बारे में डिफरेंट क्या था, क्या उस अलग क्या था उस रैबिट में. आंसर द रैबिट दैट एलिस सो वाज डिफरेंट एज इट कुड टॉक, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन दैट रैबिट दैट एलिस सो दैट इट कुड टॉक, वो बातें कर रहा था. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरीड अ वॉच. और दूसरी चीज क्या थी जो उसको अलग बनाती थी कि वॉर अ रेड वेस्ट कोट, वो रेड उसने अंदर का जो कोट है वेस्ट कोट वो कैसा पहना था, रेड एंड कैरीड अ वॉच, उसके हाथ में क्या था, वॉच. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट जो है वो कहाँ पे गया. आंसर द रैबिट वेंट इन टू द रैबिट होल, हियर वी राइट वेंट, इट इज द पास्ट ऑफ गो, वी रिमूव डिड सो वी राइट हियर वेंट. रैबिट होल में गया, जो रैबिट व्हाइट रैबिट था वो कहाँ पे गया, इन द रैबिट, इन टू द रैबिट होल. नंबर फोर, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस जो है वो वंडरलैंड पे कैसे पहुंच गई. Answer, Alice jumped into the rabbit hole following the rabbit and reached the Wonderland. वो कैसे पहुंच गई Wonderland, means अद्भुत प्रदेश में वो कैसे पहुंच गई. उसने रैबिट का पीछा किया और उसने रैबिट होल में जंप किया और वहां पे वो पहुंच गई. So these are the short question answer of chapter number 4. You have to read and repeat these question answers in your notebook. And In the next video, we will see the another exercises. Thank you.